हेलो एवरीवन, इतिहास की पिछली वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से भारत में गांधी जी का प्रभाव बढ़ता चला गया। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की और उसके बाद में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था, खेड़ा सत्याग्रह था, और इसके बाद में भारत में जैसे ही रोलेट एक्ट लागू किया जाता है वहाँ पे गांधी जी इन्वॉल्व हुए, और उसके बाद में 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। ठीक है, इसी दौरान रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, और ये इस गिरफ्तारी के बाद में एक और दो और लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, जिनका नाम था पंजाब के दो प्रमुख नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इनकी गिरफ्तारी के बाद में 13 अप्रैल 1919 का दिन था, जहाँ पे जलियांवाला बाग नाम का एक जगह है पंजाब में, जहाँ पे निहत्थी भीड़ के ऊपर गोलियां बरसाई जाती है जनरल आर डायर के द्वारा। ठीक है, और इसी को ही, इस पूरी हत्याकांड को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ठीक, तो यहाँ तक की चीज़ें हम लगभग कवर कर चुके थे, और नेक्स्ट हमको जो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है ये है 1920 का खिलाफत आंदोलन। 1900 अगर हम एक सीक्वेंस में देखें तो 1905 बंगाल विभाजन हुआ था, 1906 मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, 1907 का जो सूरत अधिवेशन था यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। ठीक है, उसके बाद में 1908 की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, 1908 के आसपास आपको एक याद होगा, हमने पढ़ा था कि किंग्सफोर्ड नाम के एक जज हैं जिनका हत्या किया गया था। ठीक है, और ये जो हत्या था इसका प्लानिंग किया था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये हमारे दो क्रांतिकारी शहीद थे। और इसके बाद में 1909 में हमने पढ़ा था मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स आए थे भारत में। मार्लियामेंटो रिफॉर्म में क्या था, यहाँ पे जो मुस्लिम लीग बना था 1906 में, इनके द्वारा एक डिमांड रखी गई थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की, उसी डिमांड को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है 1909 के मार्लियामेंटो रिफॉर्म में। 1910 में कोई विशेष घटना के बारे में हमने चर्चा नहीं किया था, 1911 का घटना महत्वपूर्ण था, दिल्ली दरबार हमने यहाँ पे पढ़ा था। और उसके बाद में 1912 में हमने क्या देखा था, 1912 में हमने राजधानी परिवर्तन की चर्चा किया था। और उसके बाद में 1913 यहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना की जाती है, 1914 कामागाटा मारू प्रकरण से संबंधित था, उसके बाद में 1915 में भारत में गांधी जी का आगमन होता है, 1916 में लखनऊ पैक्ट जो कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था, जिसमें कि कांग्रेस के नरम दल गरम दल का आपस में समझौता हो जाता है, साथ में मुस्लिम लीग के साथ भी कांग्रेस का समझौता हो जाता है। ठीक है, और यहीं पे 1916 में ही हमने होम रूल लीग के बारे में भी चर्चा किया था। 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की घोषणा की गई थी। रिफॉर्म्स तो 1919 में आए थे लेकिन 1917 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, तो 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा किया जाता है, जिसको कि अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। उसके बाद में 1917 में ही गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हो जाता है, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ से महत्वपूर्ण है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और साथ ही खेड़ा सत्याग्रह। इनकी पूरी स्टोरी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। उसके बाद में 1919 का समय, 1919 में आया था रोलेट एक्ट, इसको काला कानून भी कहा जाता था। भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उनको दबाने के लिए इसका उपयोग किया गया। और सॉरी, ये है 1919 का रोलेट एक्ट। 1919 के रोलेट एक्ट के विरोध में जो धरना प्रदर्शन हो रहा था जलियांवाला बाग में, धरना प्रदर्शन नहीं था असल में, ये एक पब्लिक गैदरिंग थी, मतलब लोग वहाँ पे बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, और साथ ही ये वहाँ पर रोलेट एक्ट के खिलाफ मौन व्रत रखने का, मतलब कुछ समय के लिए मौन धारण करने का या एक सिंबॉलिक विरोध प्रदर्शन करने का यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था, जिसके खिलाफ जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। और यहाँ तक की चीज़ हम कर चुके थे। ठीक है, 1919 में ही रोलेट एक्ट हुआ था, और यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड,
इतनी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अपनी पिछली कक्षाओं में, ठीक है। अब हम चलते हैं 1920 के आसपास की जो प्रमुख घटनाएं चल रही थी भारत में, ठीक है। तो 1920 की अगर कुछ प्रमुख घटनाओं की अगर चर्चा करें तो 1920 में खिलाफत आंदोलन 1920 का एक महत्वपूर्ण घटना है खिलाफत आंदोलन, ठीक। अब पहले इस खिलाफत आंदोलन की स्टोरी में आपसे चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर लेंगे। देखिए, खिलाफत आंदोलन असल में मुस्लिम संप्रदाय के जो खलीफा हैं, इसी से ही ये शब्द निकला है खिलाफत। खिलाफत जो है वो शब्द निकला है किससे? खलीफा से। खलीफा जो है वो मुस्लिम संप्रदाय के अंदर सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं, ठीक है। असल में पूरी दुनिया और भारत के जो मुसलमान हैं वो तुर्की के सुल्तान, तुर्की जो टर्की आज जो हम पढ़ते हैं ना, यही जो टर्की है, इसको पहले तुर्की भी कहा जाता था, ये जो तुर्की के सुल्तान थे इनको इस्लाम के खलीफा माने जाते थे। तुर्की में जो भी सुल्तान होगा उसको खलीफा माना जाता था। खलीफा का मतलब है कि सबसे बड़ा इनका धार्मिक गुरु। लेकिन क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, जो जो पावरफुल ताकतें थी, ठीक है, ब्रिटेन के जो सहयोग से, ब्रिटेन के साथ में जो प्रमुख देश थे, उन्होंने तुर्की के इस सुल्तान का जो पद है इसको समाप्त करने का प्रयास किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था। एक्चुअली में यहाँ पे एक संधि हो जाती है, तुर्की के साथ इन्होंने एक संधि किया था, इसको कहा जाता है सेबर्स की संधि या सेब्रे की संधि। मैं कुछ चीजें लिखते भी चलता हूं, जैसे कि मुस्लिम समुदाय जो है वो तुर्की के सुल्तान को, तुर्की के सुल्तान को ये क्या कहते थे, खलीफा कहते थे। और ये काफी पुराना पद है, ठीक है। खलीफा का जो पोस्ट होता था काफी पुराना पोस्ट था, खलीफा कहते थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में एक संधि होती है, इसका नाम था सेवर्स की संधि। इसको कहीं कहीं पे सेब्रे की संधि भी मिलेगा, सेब्रे की संधि। इस संधि के द्वारा ये जो खलीफा का पद है इसको समाप्त कर दिया गया था। खलीफा का जो पोस्ट है, मतलब जो सुल्तान का पद था जो कि खलीफा कहा जाता था, इसको समाप्त कर दिया गया था तुर्की से, ठीक है। अब पूरे मुस्लिम समुदाय के अंदर आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी थी कि उनका जो धार्मिक प्रतिनिधि है, जो सबसे बड़ा धर्मगुरु है, उनका पद कैसे समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। और यहीं पर ये जो तुर्की का जो सुल्तान था, या तुर्की में जो सल्तनत चल रहा था, इसको कहा जाता था ऑटोमन एम्पायर या ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है। इस साम्राज्य का नाम क्या था, इसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य। तुर्की के सुल्तान किस साम्राज्य के सुल्तान थे, तो ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान थे, और इस सुल्तान को ही खलीफा कहा जाता था। तो जो विश्व के जितने मुसलमान थे, विश्व के या भारत के जो मुसलमान थे, ये अपने साम्राज्य, मतलब ऑटोमन साम्राज्य और साथ ही खलीफा के पद, इन दोनों की रक्षा के लिए आंदोलन शुरू कर देते हैं, ठीक है। और यहीं पे 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था 1914 से लेकर के 1919 तक, 1918-19 के आसपास तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। तो 1919 में भारत में दो व्यक्तियों का नाम बड़ा फेमस है, इनको सामूहिक रूप से अली बंधु कहा जाता है, अली बंधु। 1919 में ये जो अली बंधु थे, इसमें दो भाई हैं, एक का नाम है इसमें मोहम्मद अली और एक का नाम है शौकत अली, एक का नाम है मोहम्मद अली और एक का नाम था शौकत अली। ये शौकत अली वही व्यक्ति है जो कि छत्तीसगढ़ आए थे गांधी जी के साथ में। जब आप छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे, उस समय गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन भी होता है और उनके साथ शौकत अली भी छत्तीसगढ़ आए थे। तो ये जो अली बंधु हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने मिल करके एक समिति का गठन किया था, इसका नाम था खिलाफत कमेटी या खिलाफत समिति।
खिलाफत समिति, खिलाफत समिति या खिलाफत कमेटी। इस कमेटी का उद्देश्य क्या था? इस कमेटी का उद्देश्य था कि जो खलीफा का पद है उसको वापस से वापस इसको कह सकते हैं कि जो समाप्त किया गया था खलीफा का पद, इसको नल एंड वॉइड करके खलीफा का पद वापस से लोगों के सामने रखा जाए। ठीक है, खिलाफत का पद, सॉरी खलीफा का पद जो है वो वापस से इसको इसका स्टेटस मेंटेन किया जाए। ठीक, इसकी इसी चीज़ का फेवर करने के लिए खिलाफत समिति का गठन किया गया था भारत में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके इसके प्रमुख नेता थे अली बंधु, जिसमें कि मोहम्मद अली और शौकत अली थे। अब इसी खिलाफत अली का सॉरी इसी खिलाफत समिति का जिम्मेदारी सौंप दिया जाता है गांधी जी को। ठीक है, 1920 में गांधी जी को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। ठीक है, 1920 में गांधी जी को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और इन्होंने ही यहां पर एक आंदोलन शुरू किया, इसका नाम पड़ा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन मतलब गांधी जी भी मुस्लिम समुदाय के इस मांग का समर्थन कर रहे थे कि खलीफा का पद जो कि समाप्त किया गया है उस फैसले को समाप्त कर दिया जाए ताकि खलीफा का पद वापस अपने अस्तित्व में आ जाए। ठीक है, तो गांधी जी भी ये मुस्लिमों को कह सकते हैं कि उनका समर्थन दे करके और भारत की आज़ादी में उनका समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, तो 1920 में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की एंट्री कैसे होती है? अली बंधुओं की वजह से। अली बंधु जो जिन्होंने खिलाफत समिति का गठन किया हुआ था, इस समिति का जो कार्यभार है वो गांधी जी को सौंप दिया जाता है और गांधी जी ने यहाँ पे खिलाफत आंदोलन शुरू किया और सभी को इसमें शामिल होने का आमंत्रण दिया, मतलब सभी को इसमें सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक, अब 1924 में क्या होता है, तुर्की में इलेक्शंस हो जाते हैं। 1924 में तुर्की में इलेक्शन होते हैं और वहाँ पे एक नई सरकार का गठन होता है। नई सरकार जब गठित होती है तो उसका नेता होता है कमाल पाशा। कमाल पाशा मतलब कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में एक नई सरकार का गठन होता है और इसी कमाल पाशा ने क्या किया था, आधिकारिक रूप से, मतलब अंग्रेजों के दबाव में नहीं बल्कि आधिकारिक रूप से खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। ठीक है, कमाल पाशा जो कि वहां की चुनी हुई सरकार का प्रतिनिधि था, इसने ही खलीफा का पद को समाप्त कर दिया और अब क्योंकि तुर्की की सरकार या तुर्की की जनता ही खलीफा का पद समाप्त कर दे रही है तो फिर उसके लिए कोई आंदोलन चलाने का तुक नहीं बनता था। इसी वजह से ये जो गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा खिलाफत आंदोलन था ये भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन क्या था? तुर्की के सुल्तान, जिनको कि ऑटोमन साम्राज्य का सुल्तान भी कहा जाता था, जिनको कि खलीफा भी कहा जाता था, इन्हीं की पोस्ट की रक्षा करने के लिए। ठीक है, मतलब सुल्तान का जो पद है, जो खलीफा का पद है, इसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चलाया जा रहा था इसी का नाम था खिलाफत आंदोलन और इसके शुरुआत की थी किया गया था अली बंधुओं के द्वारा। भारत में इसकी शुरुआत हुई थी अली बंधुओं के द्वारा, जिसमें कि मोहम्मद अली शौकत अली दोनों थे। बाद में इस समिति की बागडोर गांधी जी को सौंप दी जाती है और गांधी जी ने जो शब्द जो नारा दिया था वो था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया और इसकी इसका अंत किस तरीके से होता है, तो 1924 में जैसे ही वहाँ की जो सरकार है जिसके की प्रतिनिधि थे कमाल पाशा, उन्होंने खलीफा का पद ऑफिशियली समाप्त कर दिया और इसी वजह से खिलाफत आंदोलन का भी अंत हो जाता है। बस इतनी सी चीज़ याद रखना है खिलाफत आंदोलन के बारे में। इसमें से आपको सन के बारे में पूछा गया है कि किस वर्ष खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था, तो महात्मा गांधी ने चलाया था। और साथ ही 31 अगस्त 1920 का दिन चाहे तो याद रख सकते हैं, 31 अगस्त 1920 खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसीलिए 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, और कमाल पाशा ने जैसे ही इसका पद समाप्त किया तो खिलाफत आंदोलन अपने आप खत्म हो जाता है। बस इतनी सी चीज़ें हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो 1920 का खिलाफत आंदोलन और इसके बाद में 1920 के बाद में हम चलते हैं 1921 की तरफ। कुछ प्रमुख घटनाओं की जो श्रेणी हम देख रहे हैं उसमें 1921 की कुछ घटनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।
इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका असहयोग आंदोलन। ठीक, असल में कुछ किताबों में ये 1920 मिलता है, कुछ किताबों में 1921 मिलता है। एक्चुअल में इसको 1920-21 कहना ज़्यादा ठीक होगा। इसकी शुरुआत क्योंकि हो चुकी थी 1920 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इसकी इसका अगर वर्ष पूछा जाए तो 1920-21, लेकिन विशेष रूप से अगस्त 1920 के आसपास ये शुरू हो गया था। ठीक है, बाद में कांग्रेस की जो मीटिंग होती है दिसंबर 1920 में, वहाँ पे इसको रेटिफाई किया जाता है, मतलब इसको एक्नॉलेज किया जाता है, और 1921 से ये जो आंदोलन है वो देश भर में लागू हो गया था। इसीलिए कुछ किताबों में 1920-21 इस प्रकार से भी मिलता है। ठीक है, तो हम मानकर चलेंगे कि ये आंदोलन जो है वो 1920 से शुरू हुआ था। परीक्षा में पूछा जाए तो भी 1920 का जो डेट है वो ठीक है, उसको आप सही लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो असहयोग आंदोलन के बारे में एक हम स्ट्रक्चर देखें कि असहयोग आंदोलन क्या था, क्यों था और कैसे इसको एग्जीक्यूट किया गया। सबसे पहली चीज, असहयोग आंदोलन क्या है, क्यों इसको शुरू किया गया, प्रमुख तिथि और नेता, इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से थे, प्रमुख तिथि और नेता कौन है, और इसका रिजल्ट क्या निकला। ठीक है, इन एक एक पक्षों की अगर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली चीज कि असहयोग आंदोलन क्या है। मैं पहले ही आपसे पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका था कि असहयोग का मतलब क्या होता है। जैसे कि असहयोग में एक शब्द छुपा हुआ है, सहयोग। सहयोग मतलब कोई अगर आपको कुछ आदेश दे रहा है और आप उसको एज इट इज फॉलो कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आप सामने वाले का सहयोग कर रहे हैं किसी कार्य को संपन्न करने में। लेकिन असहयोग का मतलब क्या है, अगर सामने वाला कोई आदेश आपको दे रहा है, कोई निर्देश दे रहा है, और अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो ये क्या हो गया, असहयोग हो गया। आप उसके कार्य को पूरा करने में उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं। यही चीज अगर बड़े पैमाने पर एक आंदोलन के रूप में चलाया जाए, मतलब देश के सभी लोगों को वो जिम्मेदारियां जो उनको दी जा रही हैं अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, अगर वो उनको पूरा न करें, तो इसी को ही कहा गया है असहयोग आंदोलन। भारतीय लोग किसी भी तरीके से ब्रिटिश शासन का सहयोग नहीं करेंगे, यही है असहयोग आंदोलन। ये आंदोलन हिंसक होगा या अहिंसक होगा, तो जाहिर सी बात है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हथियार भी नहीं उठाए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एक अहिंसक आंदोलन था। तो असहयोग आंदोलन क्या है, यह एक अहिंसक आंदोलन था जिसमें कि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा दिए गए आदेशों और निर्देशों का विनम्रतापूर्वक पालन करने से मना कर दिया गया था भारतीय लोगों के द्वारा। इसी को हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब ये क्यों हुआ था, असहयोग आंदोलन क्या है इसको तो देख लिए, लेकिन क्यों इसको शुरू किया गया, तो इसका प्रमुख कारण क्या था। इसका प्रमुख कारण था पिछले कुछ वर्षों में घटी हुई घटनाएं, जैसे कि रोलेट एक्ट का लागू किया जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, और साथ ही अंग्रेजों की शोषणकारी नीति, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति हर एक एस्पेक्ट में, ठीक है, चाहे वो सामाजिक शोषण हो, आर्थिक शोषण हो, राजनीतिक शोषण हो, हर एक तरीके का जो शोषण किया जा रहा था वो इसका कारण बनती है असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन की प्रमुख तिथि और प्रमुख नेताओं की अगर चर्चा करें तो असहयोग आंदोलन जो है वो मुख्य रूप से शुरू किया गया था आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा ही ये आइडिया प्रस्तुत किया गया था। और अगर इसके स्टार्टिंग और एंडिंग डेट की अगर चर्चा करूं तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है और 12 फरवरी 1922 को ये जो आंदोलन था इसको समाप्त करना पड़ता है। एक घटना घटी है जिसका नाम है चौरा चौरी घटना,
इसी चौरा चौरी की घटना की वजह से 12 फरवरी 1922 को ये जो आंदोलन है इसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, हम इसको डिटेल में आगे चर्चा करेंगे कि क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, पर महत्वपूर्ण तिथि और नेताओं में अगर चर्चा करें तो 1 अगस्त 1920 को ये शुरू हुआ था, 12 फरवरी 1922 को इसको समाप्त करना पड़ा, और इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे गांधी जी। ठीक है, गांधी जी के ही आग्रह पर, उनके अनुरोध पर देश भर में असहयोग आंदोलन चलाया गया। इस पूरे आंदोलन का जो परिणाम था वो क्या था, तो परिणाम तो यही निकला कि ये एक अहिंसक आंदोलन था, लेकिन इसमें हिंसा होने की वजह से इसको बंद करना पड़ता है, और परिणाम स्वरूप इसमें अंत में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे, लास्ट में 1922 के आसपास गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और साथ ही इसका एक परिणाम ये भी निकला कि लोग जो हैं वो अब किसी भी आंदोलन के लिए कॉन्फिडेंट हो चुके थे, गांधी जी पर उनका भरोसा जागने लगा था कि ये व्यक्ति जो है वो किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त लीडर है। ठीक है, तो गांधी जी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ने लगा था। लेकिन 12 फरवरी 1922 को जैसे ही ये आंदोलन समाप्त किया गया था, तो लोग गांधी जी से नाराज भी थे। नाराज क्यों थे, इसकी भी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ कि ये इस आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी और कैसे हुई थी। ठीक है, देखिए, जो असहयोग आपका असहयोग आंदोलन था, ये सबसे पहली चीज मैंने बताया कि इसके प्रमुख रीजन क्या थे। तो भारतीय लोग जो हैं वो अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों से परेशान थे, और तात्कालिक रूप से जस्ट पिछले साल घटी हुई रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से लोग परेशान थे। ठीक है, इस समय जो ब्रिटिश वायसराय थे, इनका नाम था चेम्सफोर्ड। ठीक है, इनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब यहाँ पे 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। विशेष अधिवेशन क्या है, जैसे कि दिसंबर 1900 किसी भी वर्ष के दिसंबर माह में अंतिम सप्ताह में जो बैठक बुलाई जाती थी उसको हम कहते थे साधारण बैठक या साधारण अधिवेशन। लेकिन इसके अलावा अगर कांग्रेस वर्ष में किसी भी दूसरे समय में कोई बैठक बुलाता है इसको हम कहते थे विशेष अधिवेशन। ठीक है, अब यहीं पे 1920 में ही एक अधिवेशन बुलाया जाता है कलकत्ता में, 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय। इस बैठक की या इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय। इसी बैठक में ही असहयोग आंदोलन को शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, और फाइनली जो 1920 का जो वर्ष के अंत में होता था, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जो सामान्य अधिवेशन था इसको बुलाया गया था नागपुर में। नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन। इस अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे, इनका नाम था वीर राघवाचारी। व्यक्ति का नाम यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है, वीर राघवाचारी, इनको अध्यक्षता सौंपी गई थी। और इसी बैठक में ही, इसी वार्षिक अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन को पारित किया गया। असहयोग आंदोलन पूरे देश भर में लागू करने के लिए इसको पारित कर दिया गया। ठीक है, इसका जो प्रस्ताव रखा गया था विशेष अधिवेशन कलकत्ता में, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था इसको पारित कर दिया गया दिसंबर के नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूज़न हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि
इसका प्रारंभ कब हुआ था? यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। अब यह प्रारंभ जब हुआ था तो इसको प्रारंभ करने के लिए भी तो कोई मीटिंग बुलाई गई होगी। तो ये जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसी बैठक के निर्णय के बाद में 1 अगस्त 1920 से ये प्रारंभ हो चुका था। लेकिन जो नागपुर अधिवेशन हुआ 1920 का, दिसंबर 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ, जो वार्षिक अधिवेशन था, उसी उसी के बाद में इसको देश भर में लागू कर दिया गया, ठीक है। प्रारंभ पहले ही हो चुका था, लेकिन इसको अब देश भर में लागू करने का फैसला यहाँ पर रखा गया, देश भर में लागू, ठीक है। तो शुरुआत में वहाँ स्थानीय रूप से इसको 1 अगस्त 1920 में ये शुरू हो चुका था, लेकिन बाद में दिसंबर 1920 में जो फैसला लिया गया, उसके बाद ये आंदोलन या असहयोग आंदोलन पूरे देश में लागू हो गया था, ठीक है। और ये जो आंदोलन है, मैंने बताया कि असहयोग आंदोलन, नाम से स्पष्ट है कि इसमें कोई हिंसा का सहारा नहीं लिया जाएगा। गांधी जी ने स्ट्रिक्टली सबको बताया हुआ था कि इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी में ही स्वराज का नारा दिया गया था। स्वराज मतलब हम अपने देश में शासन स्वयं चला सकते हैं, ठीक। ये सब कुछ ठीक था, सब कुछ बढ़िया स्मूथली चल रहा था। लोगों को समझ में आ गया था कि अगर हिंसा करेंगे तो जल्दी ही आपका जो आंदोलन है उसको समाप्त कर दिया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन गड़बड़ी कहाँ पे होती है? गड़बड़ी होती है चौरा चौरी नाम का एक जगह है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नाम का एक जगह है, यहीं पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। दिन था 5 फरवरी का, 5 फरवरी 1922 का दिन था, ठीक है। गोरखपुर यूपी का एक जगह है चौरा चौरी नाम का एक जगह है। ये जगह कहाँ पे है? गोरखपुर यूपी। वर्तमान में ये जगह कहाँ पे है? गोरखपुर यूपी में। चौरा चौरी नाम का एक जगह है गोरखपुर यूपी में। यहाँ पे जो आंदोलनकारियों की जो भीड़ थी, उन्होंने क्या किया, क्रांतिकारियों या आंदोलनकारियों ने आंदोलनकारियों ने यहां पे 22 पुलिस के जवानों को जिंदा जला दिया। अब इस घटना के पीछे की एक्चुअल रीजंस भी आपको पता होने चाहिए। असल में ये लोग जब शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसी समय कुछ जो सिपाही थे, इन्होंने क्या किया था, इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया था, ठीक है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान ही, असहयोग आंदोलन में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान ही इनके ऊपर कुछ पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया था। अब लोगों में गुस्सा तो पहले ही भरा पड़ा था, क्यों? क्योंकि लोग 2 साल से, अगर 1-1.5 साल से अगर कोई आंदोलन चला रहे हैं, उनका कुछ रिस्पॉन्स या कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो लोग कितने समय तक पेशेंस रख सकते थे। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, जैसे इनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, इन्होंने, इस पूरी भीड़ ने, सारे के सारे जो पुलिस अधिकारी थे वहाँ पे, जो सिपाही थे, जो कर्मचारी थे, उन सभी को एक पुलिस थाने में बंद कर दिया। जिस पुलिस थाने के लोग इनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे थे, सभी को दौड़ाकर इन्होंने पीटा और पुलिस थाने में बंद करके उस पुलिस थाने में ही आग लगा दिया, ठीक है। पुलिस थाने में ही इन्होंने आग लगा दिया। और इसमें आंदोलनकारियों द्वारा थाने में आग लगा दिया गया, आगजनी, ठीक है। और इस आगजनी में, इस आग लगाने के दौरान 22 लोगों की, 22 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई, 22 पुलिस वाले इसमें मारे गए, ठीक है। जिसमें से एक, शायद आपका एक व्यक्ति मुख्य अधिकारी था और 22 इसमें सिपाही के पद पर थे, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो हिंसक घटना हुई थी, वो सबसे आखिरी चरण में हुई थी। मतलब 5 फरवरी 1922 को जो चौरा चौरी कांड हुआ था, इसी में 22 पुलिस अधिकारियों की हत्या हुई थी। जो आगजनी थी, इसी में ही 22 पुलिस वालों की जलकर मृत्यु हो गई थी। और इसी घटना के बाद में,
इसी घटना के बाद में जब गांधी जी को ये चीज़ पता चलती है कि असहयोग आंदोलन में पुलिस वालों की हत्या कर दी गई है, तब उन्होंने क्या किया, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने यह आंदोलन समाप्त कर दिया, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया गांधी जी के द्वारा, ठीक है, क्योंकि उनकी पॉलिसी क्या थी, असहयोग और दूसरा अहिंसा। असहयोग तो लोग दिखा रहे थे लेकिन अहिंसा का जो शर्त था वो यहाँ पर उल्लंघन हो गया था, ठीक है, लोगों ने पुलिस वालों की हत्या कर दी थी, इसी वजह से गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को आधिकारिक रूप से समाप्त करने की घोषणा कर दिया, ठीक है। और इसी के बाद में 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको 6 वर्ष की जेल सुनाई गई, ठीक है। हालांकि इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, कोई भी हिंसक कार्य इनके द्वारा किया नहीं गया था, लेकिन असहयोग आंदोलन क्योंकि इन्होंने ही शुरू किया था और उसी आंदोलन के दौरान हिंसा हुई थी, इसीलिए सारा का सारा ठीकरा इन्हीं के ऊपर फोड़ा जाता है, इन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाता है और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को 6 वर्ष का कारावास सुनाया जाता है। लेकिन जेल में गांधी जी की तबीयत बिगड़ने की वजह से 1924 में ही इनको जेल से रिहा कर दिया जाता है, ठीक है, जेल से रिहा कर दिया जाता है गांधी जी को, ठीक। तो यहाँ पे 1922 की जो घटना थी, असहयोग आंदोलन को चौरा चोरी की जो घटना थी, उसी की वजह से असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था और गांधी जी गिरफ्तार किए गए थे, इनको जेल में रखा गया था 6 वर्ष के लिए, इनको जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2 वर्ष में ही इनको जेल से रिहा कर दिया जाता है, ठीक है। ये तो थी असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रमुख घटनाएं। अब इस पूरे आंदोलन के दौरान कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, ठीक है, कौन कौन से कार्य किए गए इस आंदोलन के दौरान, तो इस आंदोलन के दौरान बहुत सारे कार्य किए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई, इसी में ही छुआछूत विरोधी कार्यक्रम चलाए गए, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया गया, खादी वस्त्रों के निर्माण को बढ़ावा दिया गया, शराबबंदी की गई, ठीक है, और जितने अधिकारी कर्मचारी थे, बहुत सारे अधिकारी कर्मचारियों ने अपना सरकारी पद छोड़ दिया, बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनको कुछ बड़ी उपाधियां मिली हुई थी, उपाधियों का त्याग कर दिया गया, बहुत सारे उत्सव और समारोह का आयोजन किया गया इस असहयोग आंदोलन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। सरकार जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, ठीक है, विदेशी वस्तुओं की होली जला दी गई, ऐसे बहुत सारे कार्य थे जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान किए जा रहे थे, आम पब्लिक के द्वारा भी और जो उच्च वर्ग थे उनके द्वारा भी, ठीक है। मतलब इस आंदोलन को समाज के सभी वर्गों का आपका कह सकते हैं कि समर्थन प्राप्त हो रहा था। और अंत में आपको पता है कि जैसे ही फाइनल स्टेज में, एक्चुअली में फाइनल स्टेज कहने का रीजन ये है कि गांधी जी को इस बात की समझ तो थी कि कोई भी आंदोलन बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता है। भाई किसी व्यक्ति को आप एक दिन के लिए अगर विरोध प्रदर्शन करने के लिए बुलाएंगे तो हो सकता है वो आ जाए, एक हफ्ते के लिए बुलाएंगे तो आ जाए, एक महीने के लिए बुलाएंगे तो शायद वो सोचेगा कि एक महीने तक अगर मैं यहाँ बैठ के आंदोलन करूँगा तो मेरे घर में दाना पानी रोटी कैसे कोई कमा के लाएगा, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन में जो बड़ी मात्रा में जो बड़ी संख्या में जो लोग समर्थन दे रहे थे वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास या गरीब व्यक्ति समर्थन दे रहे थे, ठीक है, वो अपना काम धाम छोड़ करके यहाँ पे इस आंदोलन को समर्थन दे रहे थे, ठीक है। अब बहुत लंबे समय तक जब इनको सफलता नहीं मिल रही थी तो कहीं ना कहीं उनके मन में गुस्सा फूट रहा था और वो वही गुस्सा जो है वो चौरा चौरी कांड के रूप में बाहर निकलता है। तो गांधी जी को पता था कि बहुत लंबे समय तक अगर हम इसको मान लो चौरा चौरी कांड के बाद अगर गांधी जी इसको विराम नहीं देते तो भी क्या गारंटी थी कि असहयोग आंदोलन सफल हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स की ही एक पॉलिसी थी, मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, इसको कहा जाता है युद्ध विराम युद्ध। कुछ समय के लिए युद्ध कीजिए, जैसे ही ये लगे कि आप हारने वाले हैं थोड़ा सा विराम लीजिए,
अपनी पूरी शक्ति फिर से इकट्ठा कीजिए और फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। तो इसको कहा जाता है युद्ध विराम और युद्ध की नीति। इसी नीति का गांधी जी भी पालन करना चाहते थे और पालन किया भी। जैसे ही उनको समझ में आया कि लोग अब नाराज़ हो रहे हैं, लोगों का गुस्सा जो है वो फूट रहा है, चौरा चौरी के रूप में एक हिंसक घटना हो चुकी है, उन्होंने इस आंदोलन को बंद करना ही बेहतर समझा। और ये ठीक भी था। मान लीजिए गांधी जी इस वक्त असहयोग आंदोलन को बंद नहीं करते तो लोगों को ऐसा लगता कि अब हिंसक घटनाएं करना या हिंसा करना एक वैलिड कह सकते हैं कि यहाँ पे गांधी जी क्योंकि उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि गांधी जी भी अब हिंसक आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और हिंसक घटनाएं जो है वो एक के बाद एक कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती थी। इसीलिए हिंसक घटनाओं के एक भी हिंसक घटना को बर्दाश्त न करते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त किया। ये उनका, हालांकि उस समय के हिसाब से बहुत सारे नेताओं ने गांधी जी का विरोध किया था उनके इस निर्णय के लिए, लेकिन उस समय के हिसाब से ये निर्णय बिल्कुल ठीक था। और बहुत सारे नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर कह सकते हैं कि कश्मीर में अगर कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी या उसकी सजा कन्याकुमारी के लोगों को क्यों दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से लोग जो है वो गांधी जी का क्रिटिसिज्म भी कर रहे थे, गांधी जी को भला बुरा भी कह रहे थे और गांधी जी के विरोध में भी बहुत सारे लोग शामिल हो गए थे। ठीक है, जैसे कि ये स्टेटमेंट जो मैंने बताया अभी वो मोतीलाल नेहरू जी का था। ठीक, जैसे कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि यदि कश्मीर के किसी गाँव में कोई अपराध किया गया है तो उसकी सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस ने एक स्टेटमेंट कहा था कि जब आंदोलन अपने चरम पर था तो उसे समाप्त करना ये समझदारी नहीं है। ठीक है, वैसा ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि असहयोग आंदोलन को अभी इस समय समाप्त करना एक सबसे बड़ी राजनीतिक भूल है। तो इस तरीके से चौरा चौरी कांड के बाद में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का विरोध बहुत बड़ी मात्रा में देखा गया। बहुत बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने गांधी जी का विरोध किया था, लेकिन गांधी जी उनमें से किसी के सामने भी नहीं झुकते हैं और वो अपनी बात पर अडिग रहते हैं। 12 फरवरी 1922 को इन्होंने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था और उसके बाद में ये जो असहयोग आंदोलन था इसका अंत यहीं पर हो जाता है। ठीक है, और अब 1922 में जो असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया था इसकी वजह से कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे थे जो गांधी जी के निर्णय से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने गांधी जी के इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर के एक अलग दल बनाने का, एक अलग पार्टी बनाने का निर्णय ले लिया था और यही है 1923 की एक प्रमुख घटना जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। 1923 में स्वराज दल का गठन, ठीक है, 1923 में स्वराज दल का गठन। इसका जो बैकग्राउंड है या इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से जुड़ी हुई है, 1922 के असहयोग आंदोलन और उसकी समाप्ति से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो चर्चा का टॉपिक होगा ये है स्वराज पार्टी का गठन। ठीक है, स्वराज पार्टी ये कांग्रेस से अलग होकर के जो परिवर्तनवादी विचारक थे या परिवर्तनवादी जो समूह थे इन्हीं के द्वारा बनाई गई एक पार्टी थी जिसका नाम पड़ा क्या, स्वराज पार्टी। तो हमको 1922 का एक प्रमुख घटना देखना है, इसका नाम है स्वराज पार्टी। एक्चुअली में ये जो स्वराज पार्टी के गठन का जो मुद्दा था ये 1922 में शुरू हुआ था कांग्रेस के 1922 वाले अधिवेशन में, लेकिन एक्चुअली में स्वराज दल का गठन होता है 1923 में। ठीक, तो 1923 में स्वराज दल का गठन 1923 स्वराज दल का गठन, स्वराज दल का गठन। एक्चुअली में 1922 में जो असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया था और साथ ही जो गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी, इससे देश में एक अजीब सा निराशा का माहौल फैल गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास इन्होंने मिलकर एक नई विचारधारा को जन्म दिया। इन्होंने कहा कि इस तरीके से अगर हम कोई आंदोलन शुरू करते रहेंगे और बार बार उसको बंद करते रहेंगे तब तो हमको आज़ादी मिलने से रही, तो क्यों ना अंग्रेज़ों की जो भारत में जो सरकार बनाने के जो इलेक्शन लड़ते हैं उसी
इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करें और सक्रिय राजनीति की राजनीति में हम अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। इन्होंने कहा कि क्यों ना विधानमंडलों के भीतर जो इलेक्शन हो रहे हैं उसी में हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और चुनाव के माध्यम से विधानमंडल तक पहुंचने की कोशिश करें। लेकिन 1922 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ये बिहार के गया में अधिवेशन हो रहा था। बिहार में एक जगह है गया, बोध गया, नाम सुने ना, तो गया में अधिवेशन हो रहा था और वहाँ पे जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे मोतीलाल नेहरू और जो सीआर दास, इन्होंने जब ये प्रपोजल रखा तो उनके इस प्रपोजल को कांग्रेस में रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इसी रिजेक्शन को फेस करने की वजह से सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने अपने कुछ समर्थकों के साथ कांग्रेस से निकलने की योजना बनाई और कांग्रेस से अलग होकर के एक नई पार्टी का गठन किया। इसका नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इसका घोषणा कब किया था? 1922 में, जब इन्होंने कांग्रेस से निकलने की योजना बनाई थी। लेकिन 1923 में इसका नाम चेंज करके रख दिया जाता है स्वराज पार्टी। ठीक है, इस स्वराज पार्टी का लक्ष्य क्या था? इनका मुख्य लक्ष्य था कि जो विधान परिषद का जो इलेक्शन हो रहे हैं उनमें सीधे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और सरकार में शामिल हो करके भारत के लोगों के बेटरमेंट के लिए, उनकी भलाई के लिए काम किया जाए। ठीक है, और 1923 में दिल्ली में जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है, यहाँ पे स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान कर दी जाती है। ठीक है, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान कर दी जाती है और कह सकते हैं कि ये वापस से कांग्रेस में एक प्रकार से विभाजन हो चुका था। पहला विभाजन था 1907 में। ठीक, 1907 में विचारधारा में अलग होने का, अलग विचारधारा का रीज़न क्या था? कुछ लोग नरम दल फॉलो कर रहे थे, कुछ लोग गरम दल फॉलो कर रहे थे। दूसरी तरफ 1923 में जो कांग्रेस का विभाजन होता है, जिसको हम द्वितीय विभाजन कह सकते हैं, यहाँ पे विचारधारा में अलग क्या था? कुछ लोग चाहते थे कि पार्टी के भीतर रह करके और अनुनय विनय की नीति अपना करके ब्रिटिश सरकार के सामने अपने विचार रख करके और कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपने विचार रखे जाएं और भारत को आज़ाद करने का प्रयास किया जाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे जो कि चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार में शामिल हो करके और भारत की आज़ादी के लिए कार्य किया जाए, इलेक्शन में प्रॉपर जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करके और इलेक्शन जीत करके अपनी सरकार बनाई जाए और अपनी मांग ब्रिटेन की सरकार तक रखा जाए। ठीक है, तो इस तरीके से कांग्रेस जो है फिर से दो भागों में बट गया था। एक तरफ रूढ़िवादी लोग थे जो जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने दिया जाए, ये सोचते थे, और दूसरी तरफ एक परिवर्तनवादी विचार वाले लीडर्स थे जो चाहते थे कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए और इलेक्शन जीत करके भारत की आज़ादी का रास्ता इख्तियार किया जाए। ठीक है, तो स्वराज दल के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो एक्चुअली में इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 को। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि कहाँ पे है? इसकी पृष्ठभूमि हमको मिलती है 1922 में जो अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1922 में जो कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था वहीं से इसकी शुरुआत हो गई थी। 1922 कांग्रेस का जो गया अधिवेशन था, गया एक जगह का नाम है, बिहार में है, बोध गया नाम से, बोध गया ये शब्द हमने सुना है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्थान है गया। गया अधिवेशन में, ठीक है, गया अधिवेशन में एक प्रमुख व्यक्ति हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, चित्रंजन दास, इनके नेतृत्व में, इन्हीं के नेतृत्व में एक छोटा सा ग्रुप कांग्रेस से अलग हुआ था जो कि बाद में चल करके एक अलग पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभरता है। 1 जनवरी 1923 को इन्होंने अपना पार्टी का नाम क्या रखा?
स्वराज दल, ठीक है, कहाँ से अलग हुआ था, कांग्रेस से ही अलग हुआ था, ठीक। और इनको आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी जाती है सितंबर 1923 में। कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है जिसमें स्वराज दल को मान्यता प्राप्त हो जाती है। मतलब कांग्रेस वाले भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक अलग से पार्टी है जिसको कि स्वराज दल कहा जा रहा है, ठीक है, और इनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, स्वराज दल एक अपना अलग से दल है। ये जो घोषणा है 1923 के अधिवेशन में, जो कि दिल्ली में हुआ था, एक विशेष अधिवेशन था, ठीक है, इस विशेष अधिवेशन में यह घोषणा किया गया था कि स्वराज दल नाम से एक अलग पार्टी है जो कि कांग्रेस से अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कांग्रेस का एक विभाजन घोषणा हुआ था, यहाँ पे कांग्रेस के विभाजन की घोषणा। एक विभाजन हुआ था 1907 में और यह दूसरा विभाजन हुआ है 1923 में। तो कांग्रेस के विभाजन की घोषणा यहां पर कर दी गई थी, ठीक है। अब ये जो स्वराज दल है, इसका जो पहला बैठक है ये कहां पे होता है, तो 1 जनवरी 1923 को इसकी पहली बैठक होती है। 1 जनवरी 1923 को इनकी पहली बैठक होती है प्रयागराज में, या इसको, इसका पुराना नाम था इलाहाबाद, प्रयागराज या इलाहाबाद कह सकते हैं, इलाहाबाद या प्रयागराज में इनकी बैठक होती है। इसका, इसके गठन का कारण क्या था, तो इनके कारणों में हमने बात किया था कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त करना इस दल के या इस पार्टी के गठन का प्रमुख कारण बना, असहयोग आंदोलन की समाप्ति, असहयोग आंदोलन की समाप्ति। मैं आपसे पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि किस प्रकार से असहयोग आंदोलन की समाप्ति से, मतलब गांधी जी द्वारा इसकी घोषणा किए जाने से, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इस फैसले के समर्थन में नहीं थे, ठीक है, गांधी जी के इस फैसले का विरोध कर रहे थे बहुत लोग कि असहयोग आंदोलन को इस तरीके से समाप्त नहीं किया जाना चाहिए था। और इसी वजह से कुछ जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे, जो कुछ ज़्यादा ताकतवर लीडर्स थे, उन्होंने कांग्रेस से निकल करके एक अलग पार्टी का गठन किया और इसी का नाम पड़ गया स्वराज दल। ये जो स्वराज दल था, इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य, पहली चीज़ तो इनका उद्देश्य था कि भारत को आज़ादी दिलाना, लेकिन दूसरा एक प्रमुख उद्देश्य था कि कांग्रेस के जो सदस्य हैं, कांग्रेस के सदस्य रहकर चुनाव में हिस्सा लेना और विधान परिषद में स्वदेशी सरकार मतलब जो भारतीय लोगों से मिलकर बनी हुई हो, ऐसी सरकार की गठन का मांग उठाना, ठीक है। और अगर वो लोग, मतलब ब्रिटेन की सरकार, अगर भारत के लोगों की डिमांड नहीं मानती है तो विधान परिषद की कार्रवाई में बाधा डालना, ये सारा इनका प्लान था। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम कांग्रेस के सदस्य रहकर चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, चुनाव में पार्टिसिपेट करना इनका उद्देश्य था, ठीक है। किस कंडीशन में, कांग्रेस के सदस्य रहते हुए, ठीक है। जो स्वराज दल के लोग थे इनिशियली, जब इनका विभाजन नहीं हुआ था, तो इनका जो पहला उद्देश्य था वो ये था कि हम कांग्रेस के सदस्य बने रहेंगे और साथ ही हम चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, चुनाव में भाग लेकर के, और भारत के लोगों का नेतृत्व करेंगे। लेकिन ये जो आइडिया था, इसको कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और बाद में इनको कांग्रेस से अलग होना पड़ जाता है। अपने इस आइडिया को लागू करने के लिए इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर के एक स्वराज दल बनाया, और यही जो स्वराज दल था इसने चुनाव में भाग लिया था, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति शुरुआत में नहीं थी, इसीलिए स्वराज दल नाम से एक अलग दल का गठन किया गया जो कि चुनाव में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो चुनाव में हिस्सा लेना इनका प्रमुख उद्देश्य था, चुनाव में हिस्सा लेकर के सरकार बनाएंगे और सरकार बना करके ये फिर कोशिश करेंगे ऑफिशियल या लीगल तरीके से भारत को आज़ाद करवाने की, ठीक है। अब यहाँ पे प्रमुख नेता कौन थे, तो प्रमुख नेता थे आपके मोतीलाल नेहरू,
मोतीलाल नेहरू, इसके अलावा मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। एक व्यक्ति का नाम है विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल भी स्वराज दल के प्रमुख नेताओं में से एक थे। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख और नामी व्यक्ति थे, फेमस लीडर्स थे जो कि इसमें भाग लेते हैं, स्वराज दल के सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, और साथ ही स्वराज दल में, जैसे कि मैंने बताया कि इनका मुख्य उद्देश्य था चुनाव लड़ करके चुनाव जीतना और चुनाव जीत करके लोगों का रिप्रेजेंटेशन करना सरकार में। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, इनका जो सबसे प्रमुख कार्यक्रम था चुनाव जीतने का, उसमें इनको सफलता मिलती है। ठीक है, 1923 का जो इलेक्शन होता है, 1923 के चुनाव में, इस चुनाव में 101 सीट में से इन्होंने कितनी सीटें जीती थी, 42 सीटों पर विजय प्राप्त किया था इन्होंने, 101 में से 42 सीटों पर विजय प्राप्त किया था इन्होंने। 101 सीट में अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे और 42 सीटों पर जो स्वराज दल के लोग थे वो जीत करके आए थे। ठीक, और इस प्रकार बहुत सारे नामी गिरामी जो लीडर्स थे इनको सरकार में सरकार चलाने का मौका प्राप्त हुआ था, सरकार कैसे चलाते हैं ये सीखने का मौका प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उस समय की जो कह सकते हैं कि जो लोकसभा थी, जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वहाँ पे इनको कार्य करने का मौका प्राप्त हुआ। और मज़े की बात यह है कि जो विट्ठल भाई पटेल थे इनको भारतीय अध्यक्ष भी बनाया गया था यहाँ पे, मतलब ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष भी बनाया गया था। ठीक है, और यहीं पे 1925 के आसपास चितरंजन दास जी की मृत्यु हो जाती है, और ये जो पार्टी के प्रमुख नेता थे सी आर दास, इनकी मृत्यु की वजह से पार्टी जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होनी शुरू हो गई थी। और साथ ही 1926 का चुनाव हुआ था, 1926 के चुनाव में, 1926 के चुनाव में स्वराज पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट्स नहीं मिल पाए थे, इसीलिए यह जो दल है वो असफल हो गया था। ठीक, और साथ ही कुछ ऐसे लोग थे कांग्रेस के जो कि लगातार इस पार्टी का विरोध करते जा रहे थे, उन्हीं में से एक थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, वो शुरू से स्वराज दल का विरोध कर रहे थे, और आगे चल करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, सरदार पटेल हो गए, और कुछ ऐसे भी और लोग थे जो कि इस स्वराज दल का विरोध करते हैं। और धीरे धीरे, क्योंकि यह पार्टी कांग्रेस से तो पुरानी ही थी और बहुत सारे कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे जो कि इसका विरोध कर रहे थे, इसीलिए धीरे धीरे यह पार्टी जो है वो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्वराज पार्टी के बारे में हमने जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनकी चर्चा की, कि किस तरीके से स्वराज पार्टी गठित हुई, इसके गठित होने का प्रमुख कारण क्या था, इसने कौन कौन से चुनाव में हिस्सा लिया, कौन सा चुनाव जीता था। तो 1923 का जो चुनाव था वो इनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, यहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा सीट्स प्राप्त हुए थे। ठीक है, कौन कौन प्रमुख लीडर थे, तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास इसके संस्थापक सदस्यों में से शामिल थे। ठीक है, तो स्वराज दल के बारे में हम चर्चा कर चुके, आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। अब आगे की क्लासेस में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से भारत में 1923 के जो इलेक्शंस हुए थे और साथ ही 1926 के जो इलेक्शन हुए थे जिसमें कि स्वराज पार्टी की हार हुई थी, इसके बाद में भारत में किस तरीके से चुनाव का माहौल बदलता है, भारत ब्रिटेन की सरकार किस नज़रिए से भारत के बदलते हुए राजनीतिक चरित्र को एनालाइज करती है, कौन कौन से यहाँ पे कमीशंस वगैरह भेजती है। ठीक है, गांधी जी का अब कौन कौन सा प्रमुख योगदान था, कौन कौन से कार्यक्रम गांधी जी चला रहे थे, इन सब की चर्चा हम अपने अगले क्लासेस में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।